बाद बच्चों आज मैं आपको कक्षा सात की सेवेंथ क्लास की संस्कृत पढ़ाऊंगी और उसमें पंचम पाठन पांचवा पाठ करवाऊंगी क्योंकि आपके चार पाठ कंप्लीट हो चुके हैं, चार पाठ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे सारे समझा भी दिया है, शब्दार्थ करवा दिए हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। तो आज आप क्या करेंगे, पंचम पाठ के लिए पांचवा पाठ किताब खोलो, अपनी किताब खोल लिया करो। जब आप वीडियो चलाया करो, वीडियो देखा करो तो आप किताब अपनी खोल लिया करो। पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। क्या है? पंडिता रमाबाई यानी पंडिता उसको कहते हैं, पंडित विद्वान जो आदमी होता है जेंट्स उसको पंडित, और पंडिता यानी स्त्रीलिंग। तो पंडिता रमाबाई जो थी उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए, ठीक है, उसके बारे में उनके बारे में पूरा आपको इस पाठ में बताया गया कि उनका जन्म कब हुआ था, है ना। शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 में, ये सारा का सारा 1858 में जन्म उनका हुआ, ठीक है। उनके पिता अनंत वो भी विद्वान थे बहुत, और उनकी माता लक्ष्मीबाई नाम था उनका, ग्वाली लक्ष्मीबाई ने एक नाम था। तो आपको पंडिता रमाबाई के बारे में पूरा हम बताते हैं, या पूरी की पूरी पाठ पढ़ेंगे। अब मैं इसमें तो पूरा पाठ आपको वीडियो में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर और आपको ये सामने होगे जब आप आओगे, जब आपको पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह, लेकिन आपको पाठ का सारांश बता दिया जाता है क्योंकि इसमें इतना समय नहीं होता क्वेश्चन आंसर। अब जब हम प्रश्न उत्तर करवाते हैं ना, उनमें सारे उत्तर आ जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनका क्या हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने क्या किया, कहाँ से शिक्षा पाई, सारा बता दिया जाता है, ठीक है। तो एक पंडित रमाबाई के बारे में पांच पंचय हम पढ़ लेते हैं, पांच पंचय, ठीक है। अब पांच पंचय में जाओगे प्रस्तुत पाठ में पंडिता, पंडिता का मतलब होता है विदुषी, विदुषी यानी विद्वान। सबको जी क्या होगा, अभी के लिए रिपोर्टिंग में आएगा विद्वान विदुषी, ठीक है। विदुषी रमाबाई के बारे में वर्णन है, रमाबाई के बारे में वर्णन किया है, विदुषी यानी विद्वान जो थे रमाबाई, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए। और आगे क्या कहते हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया है, पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। पाठ का नाम है उनके रमाबाई, उनका नाम क्या था, रमाबाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्होंने अपना रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन नारी शिक्षा के उत्थान में, इसमें नारी शिक्षा पे उन्होंने बहुत ही बल दिया, नारी शिक्षा के उत्थान में अर्पित किया, उत्थान में अर्पित यानी उनको कहना था कि नारियों को भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। किसने किया था, पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन पर प्रकाश डाला, प्रस्तुत पाठ में
उनके जीवन पर तथा डाला गया है। ये तो बात का सारांश है, फिर पंडिताराम महाराज बात तो है, आप इसमें कहा क्या गया, ठीक है, डाला गया है उनके जीवन पे प्रकाश डाला गया, यानी उनके जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये पाठ का सारांश है। अब है रमाबाई का जन्म, एक लाइन बता रही है, शुरू का ही है, रमाबाई का जन्म, भगवत बुक किताब खोलो, किताब के पहले है, रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ, 1858 ईस्वी में हुआ, ठीक है। रमाबाई का जन्म कब हुआ था, 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री गोगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री गोगरे, और माता कौन थी, लक्ष्मीबाई, और माता लक्ष्मीबाई थी। अब उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, इंग्लैंड से, कहां से प्राप्त की थी, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की, माता ही बहुत विद्वान थी, ठीक है, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त। उनके पिता क्या थे, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न, यानी बहुत ही गरीब थे, विपन्न संपन्न माने होता अमीर जो संपन्न हो, और विपन्न का मतलब बहुत ही गरीब थे। मैं इसके भी सारे सारे आपको शब्दार्थ कराऊंगी, पहले ये लिख लो, उन्होंने वेद शास्त्रों के लिए इससे शिक्षा में आंदोलन प्रारंभ किया, आंदोलन क्या किया, आरंभ, या होने का उसको हमें वेद शिक्षा होनी चाहिए, वेदों के बारे में पता होना चाहिए, खुद भी अध्ययन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा स्त्रियों को भी वेद शिक्षा का अध्ययन होना चाहिए, पहले औरतों को क्या था, वेदों का अध्ययन नहीं किया कराया जाता था, इसलिए वेद सिर्फ पुरुष पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी से विवाह किया, इसे विवाह किया इसी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास से विवाह किया।
बात के लिए विवाह किया। ठीक है, हाँ तो हम लिखते जा सारा विवाह किया। इन्होंने दो प्रसिद्ध रचनाएं इनकी देखो इसमें क्लास में आए हैं। इन्होंने कौन कौन सी इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने समावाई ने मैं मेन नेम करवा रही हूँ सारा बिल्कुल सिंपल है। रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति स्त्री धर्म नीति और दूसरी कौन सी है हार्ट कास्ट टू विमेन किताब नहीं है किताब में से लिखवा रही हूँ। ठीक है और हार्ट क्या है आई कास्ट हिंदू विमेन कास्ट हिंदू विमेन इंग्लिश की है विमेन मतलब वुमेन विमेन बोलते हैं विमेन की प्रसिद्ध रचनाएं थी। इन्होंने क्या किया किताबों की दो प्रसिद्ध नीति रचना रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक प्रसिद्ध रचनाएं की हिंदू विमेन नामक प्रसिद्ध रचनाएं की। तो मैं इनका शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ये आपको उनके बारे में जीवनी ये उनके पिता का नाम क्या था उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रस्तुत पाठ में विदुषी रमाबाई के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन नारी शिक्षा के उत्थान में अर्पित किया है। प्रस्तुत पाठ में उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत और अनंत शास्त्री डोगरे माता लक्ष्मीबाई थी। इन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। उस जमाने में क्या होता था वेदों की शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाती थी तो उन्होंने वेदों की शिक्षा स्त्रियों को देने के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। वेद शास्त्रों के आंदोलन वेद शास्त्रों के लिए इन्होंने आंदोलन आरंभ किया। उसकी शिक्षा स्त्रियों के लिए 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास इसे रमाबाई ने विपिन बिहारी दास से हुआ था। रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं तो लिखी तो खूब सारी परंतु स्त्रियों के इसमें इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में था जो वो दो प्रसिद्ध रचनाएं इनकी ये लिख लिया होगा आप सबने। अब आगे देखो इसके पहले मैं आपको शब्दार्थ करवा दूं शब्दार्थ मिल जाएगी आपके तो आपको कैसे नॉलेज कितना समझ आता है। जी हाँ अब देखो शब्दार्थ अर्थात शब्द अर्थ शब्द आपके बुक में भी है स्त्री शिक्षा क्षेत्र स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा क्षेत्र में स्त्री शिक्षा क्षेत्र औरतों की महिलाओं की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है स्त्री शिक्षा क्षेत्र का मतलब क्या है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से काम किए परित्याज्य छोड़कर परित्याज्य अर्थात छोड़कर
स्वापत्नी अपनी पत्नी स्वामी अपनी पत्नी अपनी पत्नी ठीक है आगे लिखते जाओ समाजस्य समासा सप्तमी भक्ति है ये ताकि ही समास का ठीक है शब्द रूप देखो समास के शब्द रूप होते हैं वो जो आकारण अकारण चलेंगे उसमें सप्तमी भक्ति आएंगे समाजस्य यानी ताकि ही होगा शब्द रूप इसके पूजा से चलते हैं प्रतारणाम पारणा यानी प्रतारित करना प्रतारणाम अर्थात प्रतारित करना असहत सहन किया असहत का दर्द उन्होंने सहन किया उन्होंने बहुत दुख दिए उनके कलों का अत्याचार किया परंतु उन्होंने सहन किया और सहन माने सहन किया हाँ आगे देखो स्व मातु अपनी माता से स्व माने अपना मातु माने माता से अपनी माता से कहा है अपनी माता से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की उनकी माता भी बहुत ही विद्वान थी विदुषी थी तो उन्होंने संस्कृत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी अपनी माता से लक्ष्मीबाई से उनका नाम क्या था लक्ष्मीबाई विपन्न का मतलब विपन्न बहुत ही विपन्न थे विपन्न विपन्न का मतलब निर्धन गरीब ठीक है और इसका गुणों क्या होगा विपरीत संपन्न विपन्न का संपन्न अब आगे देखो ये लिखते जाओ दुर्भिक्ष पीड़िता दुर्भिक्ष पीड़िता का मतलब अकाल पीड़ित दुर्भिक्ष पीड़िता दुर्भिक्ष यानी अकाल से पीड़ित क्या लिखोगे अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित है अकाल से दिवंगता दिवंगता का मतलब क्या होता है मृत्यु हो जाना दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त होना सारे के सारे शब्दार्थ होंगे आपके तो आपको लसन आ जाएगा तो पहले आप इसके शब्दार्थ हो सारे मृत्यु को प्राप्त होना जैसे दिवंगत तो मर जाता है उसके लिए दिवंगत बोलते हैं ना यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है ठीक है उपाध्याम उपाधि उपाधि जो होती है उपाधि को प्राप्त करना उपाधि ध्यान यानी उपाधियों से उपाधि ध्यान उपाधियों से द्विवचन ही द्विवचन भी तृतीया और चतुर्थी विभक्ति में आता है पश्चिम में उपाध्याय जल्दी जल्दी लिख लो आप सब लिख के आपको याद करना है प्राप्ति यानी प्राप्तिया प्राप्ति
Lalu kopi. Apa? Lalu iya. Sekarang gimana jaga prapti? Oh, sekarang itu berarti ini usne upadnya prapti. Enak untuk tahu prapti itu kan sekarang prapti iya. Oksigen itu prapti iya. ठीक है? अब आगे देखो इसके बहुत सारे शब्दार्थ हैं. सार देखो पहले सार होने में विभाजक कहते हैं ना सार होने क्या होता है आधा सार्थक बढ़ना. सार्थक बढ़ना का मतलब क्या होता है? बेर वर्ष. बेर वर्ष सार होने आधा बेर हो जाएगा एक का एक के बाद आधा यानी बेर वर्ष. बेर वर्ष को कह सकते हैं सार्थक बढ़ना यानी डेढ़ वर्ष. लिखते जाओ. अनंतरम. अनंतरम का मतलब क्या होता है? बाद. अनंतरम का मतलब बाद. अनंतरम बाद में बाद वो वाला बाद ही बाद. ठीक है. अनंतरम का मतलब बाद. आगे लिखो प्रत्यागच्छ अर्थात लौटना. प्रत्यागच्छ का मतलब लौटना वापस जाना. प्रति प्रत्या और गच्छत माने जाना अर्थात वापस जाना. ठीक है. स्वामतम एक अपने मत से आज मैं आपको सिर्फ सारांश बताऊंगी और सिर्फ शब्दार्थ कराऊंगी क्योंकि संस्कृत है ये तो संस्कृत में हर एक वर्ड का आपको एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए. ठीक है. ये शब्द ये सारे सारे आप कॉपी में पाएंगे जब मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी. आगे करवाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. गतिमती जानना. गतिमती माने जानना. जानना को क्या कहते हैं? गतिमती. जैसे कितने सारे हैं आपके इसमें तंत्रणम. तंत्रणम माने तंत्रणम किसे कहते हैं? तंत्रण मुद्रा को कहते हैं ना. तंत्रण निराश्रिता यानी बेसहारा. ज्ञापन की मैंने बिताती है. ज्ञापन का मतलब बिताते हैं. जीवन यापन की बोलते हैं ना यदि हम जीवन बिताते. ज्ञापन का मतलब बिताते.
कितने जाओ सारे अब धान में योगदान अब धान का मतलब योगदान देना अब दानव यानी दूसरे को सहायता करना योगदान देखते जाओ फिर अर्थ समझिए अर्थ अर्थ माने धन संचयन संचयन अर्थ संचय का मतलब होता है धन एकत्रित करना धन एकत्रित करना देखो किताब खोलते ना किताब खोलोगे यदि आपको एक एक वर्ड आएगा ठीक है ध्यान करते करना अधुना माने आज भी अधुना माने आज अब देखो मैंने अभी फिलहाल आपको सिर्फ शब्द कराए और पाठ का सारांश जब आप पाठ पढ़ोगे पाठ का सारांश पढ़ोगे एक बार शब्दार्थ देके आपको सारे के सारे किताब खोलो और शब्दार्थ जहाँ भी आते हैं आप उनके आगे पेंसिल से लिखते जाओ जब पेंसिल से आप लिखते जाओगे तब आप पूरा अर्थ समझते भी जाओगे ठीक है तब आपको पूरा अर्थ आता जाएगा अब ये किताब है किताब से कराया हूँ अब एक बार मैं और बता देती हूँ इसकी कहानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में रमाबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनके पिता कौन थे अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी उस जमाने में क्या थी स्त्री शिक्षा तस्मिन काले यानी उस समय में स्त्री शिक्षा या स्त्री चिंतनीय अस्ती चिंताजनक थी उस समय में स्त्री शिक्षा क्या थी वो स्त्रियों को शिक्षा दिलाता ही नहीं था तो शिक्षा चिंताजनक थी उन्होंने स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासी उस समय स्त्री शिक्षा जो थी बिल्कुल ही प्रचलित नहीं थी उसमें संस्कृत तो थी ही नहीं संस्कृत थी नहीं संस्कृत वेद वगैरह होते थे जो संस्कृत में होते थे उनमें भी स्त्रियों को दूरी रखा जाता था एक स्त्री शिक्षा वेदों की शिक्षा है वो सिर्फ पुरुष ले सकते स्त्री नहीं ले सकती तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया स्त्री शिक्षा औरतों को देने के लिए समाज में समानता लाने के लिए उन्होंने अपनी माता से संस्कृत सीखी इसे सीखी उनकी माता बहुत ही विदुषी स्त्री थी लक्ष्मीबाई उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ली और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया किसका आंदोलन प्रारंभ किया वेद में वेदों में औरतों को भी लाना चाहिए यानी औरतें भी वेदों की शिक्षा ग्रहण करें और उनकी ये बात सुनी भी गई उन्होंने खुद भी वेदों का अध्ययन किया और स्त्रियों को इसमें अग्रगण्य किया स्त्रियों को आगे लाए उनके पिता जो थे कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न उनके पिता जो थे बहुत ही गरीब थे ठीक है उनके तस्व पितर ज्येष्ठा भगनी चाहे दुर्भिक्ष पीड़िता विलंबिता उनकी जो थी बड़ी जो बहन थी वो अकाल से पीड़ित होकर अकाल पड़ा था तो वो मर गई थी योगिता मन मर गई थी उनके बड़े भाई जो थे वो क्या थे पद्म विभूषण से उनको उपाधि दी गई थी ठीक है अब उनको उनको भी रमाबाई को कौन सी उपाधि मिली सरस्वती भाई की विदुषी थी बहुत और उनको सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया अब 1880 में 1880 में उनका जन्म कब हुआ था 1858 में फिर 1880 में उन्होंने बिपिन बिहारी दास से विवाह कर लिया कहाँ किया बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया और उनके पिता डेढ़ साल बाद ही उनके पति जो थे वो दिवंगत हो गए अर्थात वो क्या हो गए मर गए वो भी नहीं रहे अब अपनी पुत्री
उनके एक पुत्री थी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में हुआ था। उनके साथ वो महाराष्ट्र में ही रहने लगे, महाराष्ट्र में रहने लगे। वहां नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही अपना जीवन, सारा जीवन नारी की शिक्षा में अर्पित कर दिया। हंटर आयोग उनके उन्होंने वहां भी किया, नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्होंने क्या किया, अपने मत से, अपने अनुभव से, अपनी लगन से आगे बढ़ी। हो उच्च शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड से की, कहां से की, उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहां गई, इंग्लैंड चली गई। वहां ईसाई धर्म के जो है स्त्री विषय के लिए उत्तम विचार उन्होंने लोगों में लाई। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा मैंने बता दिया है, आगे भी है इसका पूरा, और आप जब शब्दार्थ पढ़ेंगे तब आपको पूरा इंग्लैंड देश में रमाबाई निकलोगे, अमेरिका देश में, मतलब इंग्लैंड देश के बाद वो अमेरिका चली गई और वहां पे विधवा स्त्रियों की सहायता करने लगी। वहां की विधवाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, हिंदुस्तान में भी थी, इंग्लैंड में, मतलब पूरे विश्व में जो विधवा हो जाती थी उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती थी। उन्होंने उनके लिए बहुत ही योगदान दिया, उनके लिए बहुत कार्य किया। फिर मुंबई नगर में आ गई। कहाँ आ गई वो, वापस भारत लौट के कहाँ गई, मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया स्त्रियों के लिए। उन्होंने क्या किया, शारदा सदन स्थापित किया। उसमें किताब से पढ़ा दी, किताब सामने, आप सभी किताब खोलो, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, किताब में हर लाइन का पढ़ोगे जब आपको समझ आएगी। ठीक है, विधवाओं की सहायता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और इसकी शारदा सदन की स्थापित किया। शारदा सदन में कौन थे, आश्रम स्थापित किया वहां, निसहाय यानी बेसहारा लोग, स्त्रियां, सब स्त्रियां रहती थी, बेसहारा स्त्रियां भी होती थी वहां रहती थी। उन्होंने उन्हें मुद्रण, टंकण, काष्ठालु, लकड़ी की चीजें आदि बहुत सारी चीजों का भी उन्होंने वहां उनको सिखाया, हर चीज सिखाई, मतलब संस्कृत की और बाकी शिक्षा तो दी गई और इसके साथ ही उन्होंने उन्हें अपने हाथ से छोटे छोटे उद्योग करना भी सिखाया, यानी अपनी शक्ति से आप छोटे छोटे उद्योग चला सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो। फिर पुणे नगर में, वो पुणे नगर पूना में स्थापित चली गई, स्थानांतर कहाँ हो गया होगा, पूना में। पुणे नगर के समीप ही केर गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्था की उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, अब अधुना ने अब अभी भी कहा निश्रा निराश्रिता स्त्री, निराश्रित जो बेसहारा स्त्रियां होती थी वो ससम्मान अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कौन से सदन में, वहां भी मुक्ति मिशन, एक गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक स्थान है, आश्रम है, वहां पे बेसहारा और निराश्रित स्त्रियां जो होती है अपना जीवन यापन कर रही है, अच्छी तरह तरह के उद्योग सीख रही है, तरह तरह की शिक्षा ले रही है। ये कौन सा पाठ है, पंडिता रमाबाई, ये सब करने वाली कौन है, विदुषी रमाबाई, जिन्होंने अपने विधवा स्त्रियों के लिए, बेसहारा स्त्रियों के लिए अधिकतर नारी शिक्षा के लिए उन्होंने योगदान दिया। अब देखो 1922 उनका जन्म कब हुआ था, 1858 में, 1858। अब उनकी देखो 1922 में स्टाफ दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, उनका 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, 1922 ईस्वी में। ठीक है, सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसी, वह देश विदेश में अनेक भाषाओं से निपुण थी, अनेक भाषा का मतलब उनको हर प्रकार की भाषा आती थी, यानी कि हिंदी की आए, संस्कृत की आए, और विदेशों में जाती थी वहां की भाषा भी उन्हें पूरी आती थी। उन्होंने अपनी भाषा को प्रचार किया ही किया, दूसरों की भाषा भी सीखी अनेक प्रकार की। समाज सेवा में अतिरिक्तम लेखा क्षेत्रे अपनी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका समाज सेवा के साथ ही लेखन क्षेत्र में भी, लिखने के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने दिया विदुषी रमाबाई ने, पंडिता अर्थात पंडित को, विद्वान को पंडित कहते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग होगा विदुषी रमाबाई ने।
और उन्होंने फिर क्या किया, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की प्रसिद्ध रचनाएं की। कौन कौन सी रचनाएं की, देखो नीचे देखो, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, वुमेन बोलते जिसको, यानी औरतों के लिए। उन्होंने दो रचनाएं मुख्य रूप से रचनाएं को अनेकों की, परंतु दो तो स्त्रियों के लिए उनकी रचनाएं थी, बहुत ही उन्होंने लोगों तक फैलाया और स्त्रियों को आगे बढ़ाया। स्त्रियों को उन्होंने हर क्षेत्र में, विधवा स्त्रियों थी उन विधवाओं के लिए भी समान, विधवाओं को समान मिले इसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रचार किया। उसके साथ ही उन्होंने जो अनपढ़ थी स्त्रियां उनको शिक्षा दी, बेसहारा स्त्रियां थी उनको सहारा दिया और वो बहुत ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो अब देखो मैंने आपको पाठ का सारांश करवाया, पाठ का सारांश, वो पाठ के सारांश में मैंने ये बताया है स्त्री किसके लिए और क्या कहा गया, वो पाठ का सारांश आप पूरा कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद आप सारे शब्दार्थ लिखेंगे, मैंने पूरे पाठ के अधिकतर शब्दों के शब्दार्थ बता दिए हैं और पाठ भी आपको समझा दिया, तो आप ये पाठ पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं अगले अध्याय में, ये भाग एक है, अब अगले अध्याय में आपको करवाऊंगी, ठीक है।